हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एडुटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स के बुक से जो संपूर्ण बिहार घटनाक्रम का जो चैप्टर दिया गया है, जिसमें कि मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक के सभी बिहार के घटनाक्रम को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम अप्रैल 2022 और मार्च 2022 के जितने भी बिहार के घटनाक्रम हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2022 से। पटना के बिहटा में राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। बिहटा में राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, इसका निर्माण किया जाना है। राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि 11 अप्रैल 2022 को स्थानीय प्राधिकार कोटे से निर्वाचित बिहार विधान परिषद के 24 सदस्यों को सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 2 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर, जो कि मधुबनी में है, और बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट है कि बिहार पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। 14-15 अप्रैल को पटना साहिब महोत्सव और 14 से 16 अप्रैल को वैशाली महोत्सव। वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2-2 वृद्धाश्रमों की निर्माण किया जा रहा है। भागलपुर में भारतीय नववर्ष आयोजन समिति की ओर से लाला लाजपत पार्क में 5,08,000 दीयों से भगवान श्री राम की आकृति रच विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के 4 जिलों, कौन कौन से जिले हैं, तो मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि थावे महोत्सव, जो कि 10 से 11 अप्रैल 2022 के बीच ये किया गया था, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोपालगंज में किया गया है। नेक्स्ट है कि बाबा केवल धाम राजकीय मेला, जो कि 10 अप्रैल को हुआ था, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो बाबा केवल धाम राजकीय मेला ये समस्तीपुर में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर महिला अपराध में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का इसमें 30वां स्थान है। वर्ष 2022 में महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में कब मनाई गई? तो 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में मनाई गई है। नेक्स्ट है कि इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की। तो 9 अप्रैल को यह घोषणा किया गया कि सम्राट अशोक की जो जयंती है, अब इसे राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया। यह नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई है? तो ये बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को संशोधित करके लाई गई है। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार में जो है वो पूर्ण मद्य निषेध को लागू किया गया है, और इसके कार्यान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर इस अधिनियम में 2018 एवं 2020 में संशोधन किया गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और संशोधित अधिनियम 2018 एवं 2020 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 का गठित किया गया था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 कब से प्रभावी है? तो ये 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो ये कैमूर में है। ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मुंडेश्वरी मंदिर, जो कि कैमूर में है, और ये पंवरा पहाड़ी पर स्थित है। हाल ही में अखबार में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार भोजपुरी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में कितने लोगों के द्वारा की जाती है? तो लगभग 5 करोड़ लोगों के द्वारा पूरे विश्व में भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी है? तो सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी वाला राज्य कौन सा है? तो ये अपना बिहार है। नेक्स्ट है कि बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 25,000 से भी अधिक है। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर शुरुआत करने की घोषणा की गई थी? तो ये 4 जिलों में घोषणा की गई है थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा। कौन कौन से 4 जिले हैं? तो ये है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया।
अब है मार्च 2022 के बिहार के घटनाक्रम। तो 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 71वीं जन्मतिथि पर 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया। तो इनके जन्मदिवस को विकास दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये इनकी कितनी जन्मदिवस थी, तो ये 71वीं जन्मदिवस थी। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर 4 अप्रैल को मतदान किया गया और इसकी अधिसूचना 9 मार्च को जारी की गई थी। तो अधिसूचना अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है, तो बिहार विधान परिषद की जो इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, मतदान की अधिसूचना, तो 9 मार्च को और 24 सीटों पर ये 4 अप्रैल को मतदान किया गया था। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार बिहार में जमीन के सर्वे सेटलमेंट का कार्य वर्ष 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। NTPC की औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, इसके अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी बाराचट्टी से हम पार्टी की विधायक ज्योति देवी को दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सिक्की कला के प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिले के उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल हैं। तो ये बिहार से 2 महिलाएं शामिल हैं जो कि नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है 29 महिलाओं को राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें बिहार की 2 महिलाएँ हैं, मधुबनी की मीरा ठाकुर और भोजपुर जिले की उद्यमी अनीता गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर परिसर में 3 दिवसीय किसान मेला 2022 का आयोजन किया गया। तो 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो समस्तीपुर परिसर में राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में। बिहार के 5 शहरों कौन कौन से शहर हैं, तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बिहार दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन इसका किया गया और जल जीवन हरियाली मिशन पर लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई थी। नशा मुक्ति और दहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये राजधानी पटना में किया जा रहा है। किसके नाम पर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर, और इसकी कितनी लागत होगी, तो 640 करोड़ होगी। नेक्स्ट है कि बोधगया में माया सरोवर के नज़दीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। किसके नज़दीक, तो माया सरोवर के नज़दीक। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 जूनियर पहलवानों ने भाग लिया। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए 70 वर्ष तय की गई है। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह ने 102 किलो भार वर्ग में कुल 276 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता एवं राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट की पटना हाई कोर्ट ने अधिवक्ता कोटे से राजीव राय एवं हरीश कुमार को न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने शपथ दिलाई। तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है संजय करोल। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान किसको दिया गया है, तो ये पूर्वी चंपारण को दिया गया है। तीसरे कृषि रोडमैप 2018 से 22 को एक वर्ष का विस्तार किया गया और यह अब मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। तो तीसरे कृषि रोडमैप की अवधि किया थी 2018 से 2022 थी और इसमें अब विस्तार करके मार्च 2023 तक इसे कर दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है, जिसके तहत बिहार के गया जिले के तिलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली क्षेत्र के में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है, गया जिले के तिलारी पंचायत को पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत।
नेक्स्ट है कि नशा मुक्ति बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। हाफ मैराथन की 21 किलोमीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेत राम ने जो है इन्होंने जीत हासिल की है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साल 2016 से 18 में मातृ मृत्यु अनुपात ये कितना था, तो ये 149 था, जो 2017 से 19 में घटकर 130 हो गया है। यानी प्रदेश में अब प्रति 1 लाख बच्चे जन्म देने पर 130 महिलाओं की मौत हो रही है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है, और इसे क्या कहा गया है, तो इसे बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया है, बीम्स। इसे पटना के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया है। बिहार में जितने भी एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरती हैं, और औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे पहला होगा जो कि बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। तो अब तक जितने भी एक्सप्रेसवे थी वो दूसरे राज्यों से होकर गुजरती थी, बिहार के जितने भी एक्सप्रेसवे थी, लेकिन पहला ये एक्सप्रेसवे होगा जो कि औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे है, तो ये बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। -90 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर IIT पटना द्वारा विकसित किया गया है, जो अपनी अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। इसका वजन सिर्फ 15 किलोग्राम होगा, तो -19 डिग्री तापमान में भी ये काम करेगा। ऐसा इन्वर्टर बनाया गया है जो कि बैटरी लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर है, और इसे IIT पटना द्वारा विकसित किया गया है, और देश में अपनी तरह का ये पहला इन्वर्टर है। इसकी वजन कितना होगा, तो इसका वजन होगा 15 किलोग्राम। वाणिज्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके अनुसार देश के सभी राज्यों की सूची में निर्यात के मामले में बिहार का स्थान कितना है, तो बिहार का स्थान इसमें 22वां है, और इस सूची में गुजरात देश में अव्वल है। तो निर्यात के मामले में बिहार का स्थान 22वां स्थान है, और सबसे ऊपर किसका स्थान है, फर्स्ट प्लेस पर है गुजरात। वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूचना के अनुसार बीते साल अप्रैल माह से इस साल के जनवरी तक बेगूसराय ने कुल 6,821 करोड़ का निर्यात किया है, जो कि राज्य में अव्वल प्रदर्शन है। भारतवंशी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर यानी कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक घोषित किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भागलपुर के कहलगांव के माधुरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। तो कोयले का विशाल भंडार कहाँ पाया गया है, तो भागलपुर के कहलगांव में पाया गया है, और कहाँ पाया गया है, तो भागलपुर के कहलगांव के माधुरामपुर मौजा स्थित। तो कितने जमीन तक पाया गया है, तो ये 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार मिला है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 59.9% पुरुष जो है वो श्रमिक स्वनियोजित हैं, वहीं रोजगार की सुनिश्चित आमदनी की श्रेणी वाले नियमित मजदूरी या वेतन वाले कामगारों की संख्या कितनी है, तो ये मात्र 9.3% है, जो राष्ट्रीय औसत 24.7% से 15.4% कम है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार संज्ञेय अपराध में बिहार देश में 25वें स्थान पर है, आबादी के मामले में बिहार 3रा और क्षेत्रफल के मामले में 12वें स्थान पर है। राज्य सरकार की सहमति के बाद कजरा जो कि लखीसराय में 200 मेगावाट जबकि पीरपैंती जो कि भागलपुर में है इसमें 250 मेगावाट सौर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, और यह बिहार सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना होगी। समाजवादी नेता शरद यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद 25 वर्ष बाद फिर साथ हुए। शरद यादव की पार्टी LJD का लालू यादव की पार्टी राजद में विलय किया गया। तो ये थे बिहार के घटनाक्रम अप्रैल 2022 और मार्च 2022 के। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के मंथ को करेंगे फरवरी जनवरी और इसके भी जितने मार्च 2021 तक के दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।